गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हमारा लास्ट डे है मुंबई में। सो कल रात को एक्चुअली बहुत लेट हो गए थे हम लोग मुंबई दर्शन से। उसके लिए आज कहीं गए नहीं। अभी ऑलमोस्ट 5 बजे इवनिंग के। अभी डिसाइड किया कि एनिमल मूवी देखने जाते हैं। बहुत अच्छा रिव्यूज़ आ रहा है, बहुत अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और सोचा कि चलो जाते हैं वाइफ के साथ। मुंबई का एक थिएटर भी दिखा देंगे उनको कि कैसा है। अभी चलते हैं एनिमल पिक्चर देखने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली जा रहे हैं कल्याण मेट्रो मॉल में पिक्चर देखने के लिए। 5:50 का शो है, तो हम 5 बजे ही निकल रहे हैं। चलते हैं, पहुँचते हैं और फिर आप सुनते हैं। फाइनली जस्ट टिकट लेके हो चुका है हमारा। 5:50 का शो है एनिमल। 10 मिनट हैं, जल्दी से पहुँचते हैं थिएटर। 5:45 पहुँचते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं और वहाँ पे आप फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अंदर। अभी चलते हैं अपनी स्क्रीन की और जहाँ पे अपना पिक्चर लगने वाला है एनिमल। जल्दी से जाते हैं अंदर। ऑलमोस्ट 3 मिनट्स रह चुके हैं और फिर आपसे हम इंटरवल में मिलते हैं और आपको थोड़ा सा रिव्यूज़ बताएंगे पिक्चर के बारे में। जल्दी से चलते हैं अंदर। अभी तक तो थिएटर पूरा खाली है, पता नहीं मूवी कैसी है कैसी नहीं है। ऑलमोस्ट खाली है, सीट्स पूरे देखे आपने। देखते हैं थोड़े टाइम के बाद पब्लिक आती है कि क्या है, पर हम अब आपसे सीधा अब इंटरवल में मिलेंगे, थोड़ा सा रिव्यूज़ बताएंगे। अभी जस्ट इंटरवल हो चुका है और पिक्चर एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, क्योंकि एक चीज़ पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि बार बार स्टोरी चेंज हो रही है। कभी बचपन की, कभी उससे बड़े उससे बड़े, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल रही है। पर ओवरऑल थिएटर तो खाली है, इतना क्राउड है नहीं, पर कितना दिखाया गया है अभी तक उसमें लास्ट के सीन अभी इंटरवल से पहले दिखाया, बहुत अच्छा है। बाप बेटे की बहुत अच्छी दिखाई, तो लास्ट में देखते हैं पिक्चर कैसी है। पर अभी तक तो ओके ही चल रही है, ठीक है। अभी लास्ट में देखते हैं कुछ ट्विस्ट आएगा या कुछ ऐसा कुछ होगा, तो देखते हैं। क्योंकि बार बार स्टोरी चेंज होना, कभी बचपन से लेके फिर बड़ा होना, उससे बड़ा होना, एकदम से चेंज हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है माइंड। पर ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अभी कुछ खाते हैं, इंटरवल हुआ है, वाइफ के लिए लेके जाते हैं पॉपकॉर्न्स वगैरह, फिर ऊपर जाके एंड में आपसे अब मिलते हैं। फाइनली अभी जस्ट पिक्चर ख़त्म हो चुका है, हम लोग बाहर आ चुके हैं थिएटर से और मॉल में एंट्री कर लिए हैं वापस से। पिक्चर ओवरऑल बहुत अच्छा है, इंटरवल के बाद बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। बाप बेटी की कहानी बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही अच्छी थी। और जो इंटरवल से पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई बार बार चेंजेस क्यों हो रहे, वो भी समझ आ गया, डाउट क्लियर है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है और कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था। फाइट सीन्स बहुत अच्छे थे, बॉबी देओल की एक्टिंग भाई सुपर्ब, ख़त्म भाई। बंदा इंटरवल के बाद आता है, पर जो उसकी एंट्री है और जो उसकी फ़ाइट सीन्स दिखाए हैं भाई, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। रणबीर कपूर का बहुत अच्छा लगा प्ले रोल, ओवरऑल बहुत अच्छी थी। अनिल कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है पापा की, और मस्त है। जाओ फैमिली के साथ देखो पिक्चर एनिमल, और कमेंट करके बताना अगर आप लोग ने पहले से देख ली है मूवी या देखने जा रहे हो या कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस कितनी एक्टिव है, क्या है क्या नहीं है। अभी इस व्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि अभी जाना है वाइफ के साथ डिनर डेट पे कैंडल लाइट,
तो वो एक एक्चुअली मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि वो मुझे प्राइवेट रखना है, प्राइवेसी रखनी है। तो अभी इस व्लॉग को करता हूँ एंड, और कल हमारी ट्रेन है 5 बजे की बांद्रा टर्मिनस से। सो होप आप लोग को मुंबई की जर्नी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है या कुछ भी है तो मुझे हर ब्लॉग में कमेंट करके बताना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।